लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों के शव खेत में मिले, 10 फुट गहरे गड्ढे से निकाले शव। 13 मई से लापता 5 आदिवासी परिवार के शव बरामद। देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र का मामला, मकराई समाचार, नेमावर। बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर नेमावर से आ रही है। 13 मई की रात्रि में 5 आदिवासी परिवार नेमावर से लापता हो गए थे। बड़ी बेटी जो कि पीथमपुर में रहती थी, जब बेटी का माँ से संपर्क नहीं हुआ तब वह नेमावर आई तो देखा घर में ताला लगा हुआ है और परिवार के सभी सदस्य का मोबाइल बंद है। ऐसी स्थिति में नेमावर थाने पहुंचकर परिवार की गुमशुदगी की नेमावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर नेमावर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में लिया था। पुलिस के सतत प्रयास के बाद नेमावर के मेला रोड स्थित सुरेंद्र सिंह ठाकुर के खेत में से जेसीबी की मदद से 10 फीट गड्ढे में से 5 के शव बरामद किए गए। घटनास्थल पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में 5 के शव निकाले गए। वहीं परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। नेमावर पुलिस ने 5 शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आदिवासी समाज के लोगों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त परिवार की हत्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। कैमरा पर्सन अनिल धनगर के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट। और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवाकर और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि इतने भरे गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है, भले टाइम लगा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है।